मैंने पिछली बार आपको याद होगा मैंने अपने माइनक्राफ्ट में बोला भी है मैं एक नया गेम लाऊंगा और फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसके अंदर मैं नया गेम ला चुका हूँ जिसका नाम है एल्डन रिंग। तो आज की वीडियो में गाइस हम वही ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं भाई ये कैसा इसका एक्सपीरियंस रहता है। बताते हैं लोग काफी ज्यादा हार्ड है या ये ऐसा है वैसा है, तो गाइस आज हम ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या हार्ड है या इजी है, मतलब कैसा है मीडियम है। सो या लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये एल्डन रिंग शैडो ऑफ एड 3 है। इसके अंदर अगर आपको ये गेम चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यस, अभी चलते हैं अपने गेम की तरफ। तो मैंने थोड़े बहुत गेम्स इनके खेल रहे हैं पहले से, मतलब थोड़ा सा देख रखा है, मैंने ऐसे खेल के देख रखा था, बट अभी मैं न्यू गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, पहले मैं समझने के लिए मैंने थोड़ा खेला है इसलिए, बाकी मैंने कुछ ज़्यादा उसमें कुछ करा नहीं था, सब मैं थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया गेम। तो सबसे पहले अपन को कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, तो कैरेक्टर में अपन सेलेक्ट करने वाले बंडित, क्योंकि मैंने देखा लोग यही सबसे ज़्यादा चूज करते हैं। इसका जो गाइस स्टेटस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये देख सकते हो आप, लेवल, विगर, माइंड, स्ट्रेंथ, डेक्सिटी, एर ये क्या है, इंटेलिजेंसी, फेथ, आर्केन, और ये क्या है, एंडुरेंस। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, एंडुरेंस ये। ओके, तो सबसे पहले अपना नाम टाइप करते हैं, तो नाम अपन रखेंगे गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन वर्ड्स या टारगेट वर्ड्स और गोल्डन वर्ड्स का मिक्सचर। ओके, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। और जिसको मेरे टारगेट वर्ड्स चैनल के बारे में नहीं पता है गाइस, वो मेरे दूसरा चैनल है जिसके अंदर मैं ट्यूटोरियल वीडियो डालता हूँ माइनक्राफ्ट से रिलेटेड। अगर आपको माइनक्राफ्ट में प्रॉब्लम आती है तो जल्दी जाओ मेरे उस चैनल पे देख के आ जाओ, वहाँ पे कुछ भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, तो वहाँ पे जाओ, क्या पता आपके सॉल्यूशन का हल भी मिल जाए। सो या अभी चलते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये सभी अपने गेम की तरफ चलते हैं। और मैं बॉडी टाइप रखूंगा ए, क्योंकि बी वुमेन्स पे। एंड यस, एज रखेंगे यंग नहीं, मैच्योर रखते हैं, मैच्योर या मैं सोच रहा हूँ एज्ड रखते हैं, हाँ बुढ़े नहीं, नहीं मैच्योर ही रखेंगे। ओके, ओ भाई ये क्या हुआ, हेलो, अच्छा ये रहन देते हैं भाई। ओके, ओरिजिन बनने, तो और ये क्या है, अच्छा हम यहाँ पे अपना ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चाहिए अपन को। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ रखना नहीं चाहता, अभी तो कुछ नहीं रखते, काम करते, नन रख लेते, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे अपन को। एंड यस, अभी अपन इसको करते हैं फिनिश। ओके, एंड स्टार्टिंग द गेम विद दिस कैरेक्टर, इज इट ओके, या ओके ओके। तो अभी अपन स्टार्ट कर चुके हैं गेम, कुछ स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है, एंड ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो मैं भी बोर होने वाला हूँ इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी और दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड बूम, अपन यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो अभी अपन को सबसे पहले क्या ढूंढना है भाई, मैंने गाइस बहुत दिनों पहले खेला था इसको, उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों से खेला ही नहीं आप लोगों के साथ खेलने का सोचा था इसलिए, बट अभी मैं भूल चुका हूँ करना क्या है इसमें, लिटरली आई एम टोटली फॉरगेटेड। ओके ओके, तो अपने पास ये सारा सामान है, बकलर पैरी नाम का एक वेपन है शायद, अपने ये वेपन को बताते हैं ना, हाँ ये वेपन बताते हैं। और अपने बो एंड एरो भी है, जी जी गाइस, बो शूट कैसे करते, ओ राइट क्लिक करके जाती है कैस की एरो। ओके, तो अभी अपन क्या करते हैं, शील्ड लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या था अपने को क्या करना है, यहाँ पे कोई बुक ढूंढनी है शायद, बुक ही ढूंढनी पड़ेगी कोई, वैसे एक बार देखते हैं यहाँ पे कौन सी बुक है। ओके, यहाँ पे कोई बुक तो दिखी नहीं, बट ओ ये क्या है, ये कुछ है चीज, अरे अबे ये क्या पढ़ रहा हूँ भाई, रहन दो भाई। ओके, टार्निश्ड विजेंड फिंगर, ओके टार्निश्ड विजेंड फिंगर, ये क्या है टार्निश्ड। ओके, ओपन करते हैं फटाफट से, एंड भाई क्या ग्राफिक्स और क्या आवाज है, लिटरली ब्रा मैं तो ग्राफिक्स ऐसे वैसे सोच रहा था, बट इसकी क्या ग्राफिक्स है गाइस, क्या ग्राफिक्स है भाई, कितना तगड़ा है। चैपल ऑफ एंटीसिपेशन, ओके, तो अभी अपन यहाँ से निकलते हैं। एंड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे बस एक ब्रिज दिख रहा है, इस पे चलते हैं। और ये पता नहीं क्या चीजें हैं भाई, एक बार तो इसने लिटरली डरा दिया था, पता नहीं क्या आती है, ब्लू ब्लू वो डार्क सोल्स टाइप लग रहा है, डार्क सोल भी गेम है ना उसकी तरह लग रहा है ये बिल्कुल। भाई चला जाना, इसको मार भी तो नहीं सकते हम, पता नहीं क्या है, शायद अभी अपन को गाइड करता है किधर की तरफ जाना है, क्योंकि मेरे को तो ये लग रहा है ना मारता ना कुछ करता। ओके ओके, मेरे को डर लग रहा है अभी भी, काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके जल्दी से चलते, एंड यहाँ पे ओ ये क्या, ओ ओ शिट गाइस, ये क्या भाई, नहीं नहीं ये क्या है, ओ भाई शिट, ये तो कोई स्पाइडर मैन है, ओके स्पाइडर है, सॉरी ओ मेरे को थोड़ा बहुत तो पता है अभी, तो अभी मेरे को इतना पता है कि मैं यहाँ पे ये सब कर सकता हूँ। ओके ओ शिट शिट, अबे मैं मर गया है, ये क्या हुआ, मैं मर गया क्या। ओके ये क्या हो रहा है भाई, कुछ तो आजा,
ओके यहाँ पे कहीं पानी की आवाज आई है, कहीं पानी के आसपास आ गए, आसपास आ गए लगता है। भाई मरना कहीं गेम का रूल तो नहीं था, ये मरना मर गया मैं और गेम खत्म हो गया। अच्छा ये गेम का रूल था वरना स्टोरी नहीं स्टार्ट होती। ओके गेम का रूल था मरना, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं मर चुका हूँ शायद से हमेशा के लिए और हम एक नए कैरेक्टर में जाएंगे। यस मेरे को तो ये लग रहा है अपन मर चुके हैं। ओके भाई कुछ भी तो नहीं हो रहा। ओके किसी का पैर आया, किसी घोड़े का पैर है गाइस ये। ओके घोड़े का पैर है, अबे घोड़े का मुंह ये कौन है भाई? छी यार हाँ सुन रहे भाई छी यार। ओके भाई ग्राफिक्स इसके कितने तगड़े हैं ना भाई। और ये कौन है उसके ऊपर? डोंट वरी टॉरेंट फॉर्चून। ओके ओके अपना कैरेक्टर जग चुका है गाइस, मरे नहीं थे इसी का इसका मतलब। ओके ये कौन है भाई? अबे हट कौन है ये? ओके कुछ इसने बोला एंड अभी ब्लैक स्क्रीन हो गई गाइस। क्या क्या होना है भाई? भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कंफ्यूजिंग गेम है यार। ओके अब इसको स्किप पता नहीं क्या हो गया। ओके ओके गेम स्टार्ट हो चुका है एंड अपने यहाँ पे फ्लास्क ऑफ क्रिम्सन टीयर्स आंसू मिल गए। ओके ओके तो यहाँ पे ये चीज़ें पता नहीं क्या रीड मैसेज। अच्छा ये मैसेजेस हैं, द केव ऑफ नॉलेज लाइ बिलो। ओके नीचे की तरफ कोई केव है। ओके यहाँ पे चलते हैं, बट ये क्या है भाई? टॉक, हम इससे बात कर सकते हैं? ये क्या, ये तो मरा हुआ लग रहा है और ये तो इनविजिबल है। बोल रहा है ये क्या बोल रहा है भाई? इसका कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। ओके तो नीचे की तरफ चलते हैं। ओके ओ भाई 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 थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। ओके नहीं ओ भाई हाँ ठीक है चलो, डैमेज नहीं पड़ा वरना डायरेक्ट कूद जाते, डैमेज पड़ता। ओके अभी अपन चलते हैं, एक सेकंड वो चीज़ क्या है? कुछ तो है उधर गाइस, कुछ तो है। अभी अपन पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे छुपते हैं, कुछ तो होगा शायद उधर, कुछ तो होगा ना। अरे एक तो शिफ्ट दबाने से पीछे और हो जाता हूँ मैं बार बार यार, गलती शिफ्ट माइनक्राफ्ट की आदत है ना भाई क्राउच करने की, तो शिफ्ट दबाते पीछे हो जाता हूँ मैं। ओके इसके पास चलते हैं। ओके भाई डर लग रहा है यार, डर लग रहा है गाइस मेरे को। ओके ओके साइट ऑफ ग्रेस, ग्रेस में हम बैठ सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। Resting at the grace of resting at the site of grace will recover your HP, FP and chest पे बैठने पे जो हम लोगों को मारेंगे वो वापस जिंदा हो जाएंगे। अबे यार ये क्या बेकार चीज है। ओके ये करते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं। ई टू टच ग्रेस, अच्छा ये ग्रेस कहते हैं ना। ओके लॉस्ट ग्रेस साउंड, कुछ हुआ तो नहीं? ओ भाई भागो यहाँ से, कुछ तो होगा, कुछ तो हुआ होगा भाई, कुछ तो हुआ होगा। अबे कुछ भी नहीं, अबे यार कुछ नहीं हुआ। ओके ओके तो एक बार चलते हैं एंड अब आ रहा है रेस्ट एट द साइड ऑफ ग्रेस। ओके बैठ गए हम रेस्ट, अच्छा हाँ रेस्ट होता है ना। ओके हम यहाँ से पास टाइम क्या होता है? अच्छा नाइट तक हम सुबह तक यहाँ पर रुक सकते हैं, पास कर सकते हैं, मेमोराइज स्पेल। स्पेल तो हमरे पे कुछ है ही नहीं गाइज। ओके शॉर्ट चेस्ट, अच्छा चेस्ट में हमारे पास ये है भाई, अपनी इन्वेंट्री बिल्कुल सेट देते हैं यार पहले से। एंड फ्लास्क, फ्लास्क क्या है? एड चार्ज टू फ्लास्क, अरे भाई ये चीज़ है पता नहीं क्या। ओके तो अभी अपन चलते हैं यहाँ से बस। ओके यहाँ पे मैसेज है यार, इतने सारे मैसेज कौन पड़ेगा भाई, मैं तो नहीं पढ़ गाइज। वहाँ पे कोई बंदा है, मैंने बंदा देख लिया भाई, मैंने वहाँ पे बंदा देख लिया। ओके तो इसने बताया क्यू से हम लॉक कर सकते हैं टारगेट। ओके अभी अपन ने क्राउच कर रखा है, सी से क्राउच होता है ये भी पता लग गया। और अभी अपन इसे मारे क्या उसे से हम, ओके राइट से हम, ओ लेफ्ट से हम उसको मार सकते हैं लेफ्ट क्लिक से। ओके ओ भाई साहब, भाई साहब क्या वो था भाई, मतलब क्या एक्शन था मारने का। ओके इससे हम ये पकड़ सकते हैं शील्ड। ओके और अभी अपन इससे फटाफट फटाफट मार सकते हैं। अरे भाई मेरा गेम में बहुत बुरा हूँ भाई। ओके ओके मैं इसे टारगेट लॉक करता हूँ एंड ओके हम इसे ये कर सकते हैं भाई, ये अच्छा है भाई। ओके भाई कितना डैमेज पड़ रहा है भाई, तभी तुमने देखा ना कितना डैमेज लेता है। ओके अब मेरे को मिल क्या रहा है, ये है क्या गाइस, ये पता नहीं क्या चीज़ है ये जो कलेक्ट हो रही है। अच्छा हाँ याद आया गाइस, खेलने पे मेरे को थोड़ा बहुत याद है, ही रूइंस कहते हैं ना ये, एक टाइप से मनी की तरह काम करती है हमारे एल्डन रिंग में। इन सब चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और हमें ये मार के मिलती हैं किसी को या फिर कहीं भी पड़ी पड़ी मिल जाती है। ओके आजा बेटे मेरे को मारेगा बेटे, पीछे से देख ले भाई, बेचारे को 360 मार दिया। ओके भाई यार पर एक चीज़ की ये नहीं बता भाई, इसकी हाइप अब क्यों ख़त्म हो गई? मतलब पहले तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी यार, पता नहीं अब ख़त्म हो गई इसकी हाइप। पर ठीक है अपन चलते हैं भाई, वहाँ पे कोई ऊपर की तरफ कोई बंदा था। ओके वहाँ पे अभी भी कोई बंदा है। ओके हमने उस पर टारगेट लॉक करा। ओके 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 हैं बेटे देख लिया ना तूने, अच्छा बेटे अभी रुक जा तू, आ जा बेटे पहले इसकी शील्ड हटाऊँ।
आजा भाई यार, ये कितना शील्ड अप करके रखेगा, क्या घटिया गार्ड्स रख रखे अपने लिए। ओके ओ भाई भाई भाई, ये एकदम से ये पावर शॉट कहाँ से लग गया भाई, पूरा खून फैल गया इधर से उधर। ओके तो अभी अपन चलते हैं ऊपर की तरफ। एक और बंदा है, एक और बंदा भाई, मारने में मजा तो आ रहा है। और दो बंदे, ओके दो बंदे को मारेंगे अपन। अपन भाई डरते किससे है भाई, किसी से नहीं डरते अपन। ओके हट हट। ओके भाई बेचारे का मैंने वो अटैक ही वो कर लिया भाई। वो क्या कहते हैं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी वो। हाँ डॉज, इससे हम डॉज कर सकते हैं भाई। ओके शिफ्ट से डॉज कर सकते हैं। ओके यहाँ पे अभी कोई बंदा है नीचे की तरफ गए, देखो कौन है भाई। ओके बट मैं तो ऊपर की तरफ से निकल लेता हूँ भाई, मेरे को किसी से नहीं लड़ना। आ जा बेटे, टारगेट लॉक कर लिया। एफ से हम अपनी स्किल दिखा सकते। ओ ओके एफ से हम अलग अलग अपनी। ओके अबे ओ ये क्या था। ओके अच्छा हम बच सकते हैं भाई, एफ से हम उसकी उसको अटैक को रोक के फटाफट से मार सकते हैं। ओके क्राउच सी से, अरे भाई मेरे को पहले पता लग गया था क्राउच कैसे करते हैं। ओ भाई साहब। ओके अभी अपन इसके पीछे से। ओके अपन इससे वो पावरफुल अटैक, पावर अटैक दे सकते हैं, जैसे क्रिट होता है ना क्रिटिकल अटैक वैसे। ओके तो मैं भी अभी इसको दूंगा, हमें ऊपर करना है और जंप मारनी है। ओके ओ भाई हम ओके भाई हमने इसको हेडशॉट मारा एंड बूम निकाल यहाँ से भाई। ओके ये क्या चीज है, स्टेग ऑफ अमेरिका। अपॉन डाइनिंग यू, अपॉन डाइंग यू विल बी रिवाइव एट द लास्ट ग्रेस, लास्ट साइट ऑफ द ग्रेस दैट यू विजिट। हाउएवर इट देयर इज अ स्टेग ऑफ अमेरिका नियर वेयर यू डाइड, यू कैन चूज टू बी रिवाइव देयर इंस्टेड। ओके ओके तो अभी अपन चलते हैं इसके पास। क्या है भाई ये, भाई यहाँ पे है पॉइजन से, क्या है भाई जा सकते हैं क्या पॉइजन के आर पर। ओ वे ट्रैवर्स, क्या है ट्रैवर्स द मिस्ट। ओके चलते हैं। ओके वहाँ पे एक बंदा है गाइस, लगता है बॉस फाइट है, अभी बॉस फाइट है लगता है। मेरे को अपनी टेक्निक सारी यूज करनी पड़ेंगी। ओ इतनी, ओके 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 ओ भाई बच गया। ओ नहीं 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 नहीं, मेरे को पीना पड़ेगा गाइस। बाय द वे मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे को आप मेरे को हीलिंग का पता लग चुका था। ओके बट ये सोल्जर ऑफ गॉडरिक भाई क्या पावरफुल बंदा है भाई। सर अगर ऐसी भाई वो सही कह रहे हैं, मतलब ये हार्ड और डिफिकल्ट गेम इसलिए है। ओके बट ठीक है अब उन फाइट करने वाले हैं, आई डोंट केयर कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा अब। ओके हम यहाँ पे वापस से आ चुके हैं मरने के बाद, एंड अभी अपन वापस से इसके अंदर चलते हैं। ये बॉस फाइट है, इससे अपन को एक चीज़ पता लग सकती है बॉस फाइट है या नहीं। अपन इससे ये रूइंस निकालेंगे। ओ भाई 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 यार ये तो 360 मार रहा है भाई, ये तो 360 मार रहा है। ओ ओ नहीं, अरे भाई यार मैं हील क्यों नहीं करा भाई यार, मेरे को आर जल्दी दबा देना चाहिए था। बट ठीक है भाई उसकी है, मेरे को अभी उसका टेक्निक पता लग चुका है वो क्या क्या कर सकता है। ओके सो हियर वी आर गोइंग टू किल हिम। ओके एंड बाय द वे आपको बता दूं, मेरे मरने के बाद मेरे सारा जो मनी होता है वो सब चला जाता है, एक बार मर गए तो सब चला जाता है। अब देख सकते हो आप जीरो हो गया, तो अपन को ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ओके पर सामना करेंगे भाई। एंड सबसे पहले अभी अपन अच्छा जो हम मरते हैं तो हमारा रूइंस यहाँ पे आ जाता है। ओके आ भाई बेटे, ओके अबे ओ भाई 360 मारने वाले। अबे यार गाइस ये कितना रेट है, ठीक है नहीं यार इसको तो हम गाइस मेरे को गुस्सा आ चुका है भाई। अब इसको थर्ड ट्राई था गाइस, अभी फोर्थ ट्राई में गया भाई, अब ये गया भाई, मैं थक चुका हूँ लिटरली इसके अटैक से। अब ये गया गाइस, अब तो तुम देखो भाई, अब तुम शांति से देखो यहाँ पे। अभी मैं अरे भाई मुझे शूट नहीं करना। ओके अभी अपन जा रहे हैं, अभी तो गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। आ जा बेटे, ओके मैंने इसको मारा तगड़े वाला मार दिया। ओके गया तुम्हारे भाई ने फाइनली इसको मार दिया, ए तुक्का था ये लिटरली। ओके बाय द वे गाइस बॉस को मारने से हमें रूइंस भी काफी सारे मिलते हैं, और 500 रूइंस मिल गए भाई अपन को भाई जी।
एंड अभी अपन यहाँ पे एरिया अनलॉक हो चुका है, तो अभी अपन फटाफट से निकलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे और कोई तो नहीं है ना भाई, और किसी से मेरे को नहीं लड़ना, सुन सकते हो कोई भाई मेरे को? ओके स्ट्रेंथ, ओके मेरे को स्ट्रेंथ का एक वो कुछ मिल चुका है, तो अपन नीचे की तरफ चलते हैं। एंड ये किसका पेड़ है, काट के देखते हैं पेड़ को। अच्छा पेड़ नहीं कटेगा, ओके ओके क्या पागलपंदी कर रहा हूँ। और ये कौन सी जगह है भाई यहाँ पे भी? अबे लिटरली गाइस ये वो जगह है, ये नॉलेज ऑफ केव्स में लिटरली आगे आके ये गेट था भाई, इसको ही नहीं खोला मैंने, नीचे जाके हर हजारों जगह पे तो लड़ी आया मैं। अबे ओके पर ये है क्या ऊपर, ऊपर की तरफ कुछ तो चमक रहा है। आई वॉन्ट टू टेक दैट थिंग, बट मैं फिलहाल को तो नहीं ले सकता उसे, बट अभी अपन आगे की तरफ जरूर चल सकते हैं, पर आगे जरूर एक बार लेंगे भाई, जो भी हो भाई कभी जिंदगी में बाद में आएंगे तो लेके तो जरूर जाएंगे। ओके ओपन करते हैं इसको फटाफट से, देखते हैं आगे क्या आता है। प्लीज इसको तगड़ी सी चीज मिल गई गाइस, दो दीवारी चार दीवारी का घर मिल गया मेरे को। ओके एंड यहाँ पे एक और ग्रेस है, तो अभी अपन यहाँ पे हो सकते हैं। हाँ बाय द वे गाइस अपना चेक पॉइंट मान लो आप इसको, ग्रेस को मैंने इसके बारे में स्टडी करा, और ये चेक पॉइंट मान लो जहाँ पे मरोगे तो आप वहीं से स्पॉन होगे। ओके फिंगर सर्वर, ओके फिंगर सर्वर सॉरी, ओके ओके और यहाँ पे ओके क्या वो भाई ये ऊपर की तरफ, भाई मेरे को डर लग रहा है, और कोई फाइट नहीं चाहिए भाई, मैं शील्ड अप करके रखूँगा भाई, यहाँ पे शील्ड अप करके रखूँगा। ओके 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 यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, ओ भाई अभी नीचे चला जाता मैं। ओके ओके ऊपर की तरफ चलते, कुछ भी नहीं है। ओके सामान पड़ा हुआ है, हम इसको तोड़ सकते हैं, तोड़ तो सकते हैं पर कुछ सामान शायद से नहीं मिलेगा अपन को, कुछ नहीं मिलेगा, पागलपंती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके ओपन करते हैं इसे, कुछ तो बड़ी चीज़ मिल जा। ओके भाई ये कौन सी जगह, लिमग्रेव गाइस, कितनी बड़ी दुनिया मिल चुकी है, कितनी ब्यूटीफुल है ना गाइस, तुम देखो भाई मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था ये कोई अच्छा गेम है भाई, ऐसा लग रहा है डार्क गेम है, बट ये देखो भाई क्या है। ओके गाइस वहाँ पे कोई गेंडा आदमी घूम रहा है, और गेंडे के ऊपर घूम रहा है गेंडा आदमी। ओके ओके अब यहाँ पे भी एक ग्रेस है भाई, इस ग्रेस को भी एक्टिवेट करते हैं। एंड ये कोई बंदा है भाई, इससे बात कर सकते हैं। एंड ये क्या है, ये अच्छा ग्रेस हमें वो करती है, गाइड करती है कहाँ कहाँ जाना है। ओके तो यहाँ पे जैसे गाइस ये दिखा रहे हैं कुछ लाइन टाइप सी देखो, तो कुछ जा रही है ऊपर की तरफ। एंड बाय द वे एम दबाने से अपना मैप खुलेगा। ओके अबे कितना घटिया मैप है हमारा, ये कोई मैप है कैसे, क्या पता लगाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, कुछ तो होगा मैप का देखने का। एंड ये क्या है, ई टू टॉक, ओके ओके गाइस ये मेरे को मेडन लेस कह रहा है, पता नहीं मेडन का मतलब भी नहीं जानता भाड़े जाए क्या कह रहे हैं। ओके हट जा भाई मेरे को नहीं लेना। ओके अभी अपन उसके ना उससे तो दूर से निकलेंगे भाई, मेरे को नहीं फाइट करनी उससे कोई जी भाई, मेरे को लग नहीं रहा मैं फाइट कर भी पाऊंगा, पर करके देखूं क्या भाई। नहीं यार मेरे को डर लग रहा है उससे फाइट करने में भाई, ये कौन है भाई। ओके फटाफट से अपन चल सकते हैं। एंड ये क्या चमक रहा है, कुछ तो चमक रहा है। अबे ज्यादा आवाज मत निकल, आवाज मत निकल। अबे भाई कितना दूर तक रोल करके जाएगी भाई, यार देखो भाई रोलिंग गेम खेल रही है लगता है। ओके तो अभी अपन यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। ओके भाई उस गेंडे से तो दूर ही रहेंगे भाई, को पता नहीं क्या कोई मार भी सकता है नहीं। ओके गाइड हमें ग्रेस इधर तक लेके आई है, ओके ग्रेस हमें गाइड कर सकते हैं, ग्रेस हमें इधर तक लेके आ चुकी है, तो अभी अपन यहाँ पर जल्दी से चलते हैं इधर की तरफ। और यहाँ पे भी ग्रेस है, चर्च ऑफ एले, ओके टच द ग्रेस। ओके यहाँ पे हमने एक और चेक पॉइंट कर लिया है डिस्कवर। ओके और यहाँ पे एक बंदा भी है, उससे बात करके देखेंगे। ओके टॉक भाई, ये सेंटा क्लॉज क्यों लग रहा है मेरे को, सेंटा क्लॉज ही है गाइस ये लग रहा है। ओके गाइस मेरे को सेल, ये मर्चेंट काले है भाई। ओके काले व्हाट अ नाम गाइस। ओके परचेज और सेल कर सकते हैं, मैं परचेज में देखता हूँ क्या क्या दे सकता है मेरे को। अबे हट जा भाई क्या दिखा रहे हैं शॉप मेन्यू। हम यहाँ पे आर्मर खरीद सकते हैं, सब चीज़ें खरीद तो सकते हैं, बट अभी मेरे को कुछ खरीदना नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ नहीं खरीदना बाय। ओके यहाँ पे ये क्या, स्मिथिंग टेबल है क्या? ओके स्मिथिंग स्टोन, अरे क्या है स्मिथिंग टेबल। ओके भाई सबका सही था वैसे। ओके यहाँ पे अभी अपन चलता हूँ, ये ग्रेस हमें उधर लेके जा रही है, तो उधर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मेरे को लग तो नहीं रहा कोई एनिमी मिलेगा क्योंकि मिल, ओके सामने ही एनिमी मिल चुका है भाई, वैसे कलर अलग है ना भाई, कुछ अलग कपड़े पहन रखे हैं। नहीं ये तो सोल्जर ऑफ गॉडरिक है ना, मतलब इतने सारे सोल्जर ऑफ गॉडरिक हैं, पर मेरे को उनका उनसे फाइट करना आ चुका है, मेरे को कोई नहीं हरा सकता, और मैं चुपके से जाऊँगा उसके पीछे से अटैक करने वाला हूँ ना, अटैक करने वाला हूँ गाइस लिटरली। अरे भाई दिख गया देख लिया उसने, आ जा बेटे फाइट कर, आ जा मेरे से, आ जा फाइट कर, आ जा बेटे। ओ बच गया,
ओके मैंने इसको मारा, ओके फटाफट मारू उसको कंप्लीट करूँ। ओके मैंने इसको मारा, उस समय रूइंस भी काफी मिल गए, मतलब यानी कोई किसी को भी मारो रूइंस मिलेंगे अपन को, ठीक है ये भी चीज़ अच्छी है। ओके यहाँ पे भी एक और बंदा भाई, यहाँ से बंदे फाइंड कर सकता हूँ मैं, एक चीज तो है भाई। ओके चुपके से जाऊंगा। ओके अपन ने इसको कंप्लीट करा मार के भाई, पर मेरे को एक तो मेरे को ये अच्छा वाला अटैक मेरे को स्टार्टिंग से ही सीख लिया भाई मैंने, आई डोंट नो कैसे मेरे को आया, बट मैंने बस उस पर एक बंदे को क्लिक करा। ओके फटाफट मारो उसको भाई, मेरे को एक चीज़ पता लग चुकी है इन पर, अगर हम पहले अटैक करके फटाफट इसको कॉम्बो देना तो ये कुछ नहीं कर पाता हमारा। ओके तो ये कौन सी जगह है गाइस, ये क्या चीज़ है, क्या चीज है। ओके अपन साइड से चलते हैं, पता नहीं क्या जगह है ये। ओके भाई अपन एक यहाँ तो काफी सारे बंदे दिख रहे हैं गाइस मेरे को, अपन एक एक को मारते हैं, एक काम करते हैं एक एक को मारते हैं। आ जा पहले इस बंदे को लपेटता हूँ गाइस मैं। ओके आ जा भाई, इसके पास शील्ड भी है। ओके साले चीटिंग करता है। ओ भाई ओ बच गया। आ जा बेटे मेरे से फाइट करेगा। ओके अच्छा चीटर, चीटिंग करने में तो नंबर वन है तू, चीटर चीटिंग कर रहा है भाई, चीटिंग कर रहा है बंदा बदतमीज। ओके तो अभी अपन ने हील अप कर लिया अपने आप को, एंड यहाँ पे अपन चलते हैं। ओके ग्रेट गेट फ्रंट रूइंस है इसका नाम। ओके नाउ आई अंडरस्टैंड दिस नेम। ओके अभी अपन दो बंदे। ओके दो, अबे यार दोनों ने मेरे को एक एक हिट मार के मार दिया। बाय बाय, नहीं यार यू डाइड लिटरली, पहली बार मर गया मैं गेम में, नहीं मैं दूसरी बार मर रहा हूँ मैं एक्चुअली, उसमें तो गेम का पार्ट था मरना, दैट्स व्हाई है इसलिए मैं मर गया, क्योंकि वरना स्टार्टिंग में कोई बॉस देता नहीं है भाई। भाई मैं तो एक दो बंदे मार के जा रहा हूँ वापस भाई, मेरे को नहीं लड़ना किसी से अब, नहीं भाई मैं लड़ ही नहीं रहा। वहाँ पे एक जगह है वो कुछ दिखा रहा है मेरे को, गाइड कर रहा है, तो अभी अपन फटाफट से चलते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ना वो कुछ अगर वहाँ पे मिलता है कुछ तगड़ी सी चीज़ उस पर हम फिर देखते हैं बाद में। ओके सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे एंड इस ग्रेस पर टच करते हैं सबसे पहले तो। ओके ग्रेस टच करा एंड अभी अपन बैठते हैं इस पर, रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, रेस्ट माइंड करते हैं। ओके गाइस रेस्ट कर लेते हैं, बट मेरी स्किन इतनी ब्लैक की हो गई। ओके अबे यार अब कोई और स्टोरी स्टार्ट हो गई है। ओके इंटरेस्टिंग है भाई स्टोरी। ओके देखते हैं और कौन आता है। अबे ये तो वापस वही लड़की है ना जो वहाँ पे मिली थी अपन को जब हम बेहोश हो गए थे उधर। ओके इसका नाम गाइस मेलिना है। ओके नाइस, नाइस टू मीट यू। ओके गाइस इसकी आंख पे कुछ और टैटू है, अच्छा है मेरे को लगा लग गई है शायद, लग गई है इसके। ओके कुछ अकॉर्ड ऑफर कर रही है अपन को, ऑफर कर रही है। ओके अब इसकी बात लगता है सुननी पड़ेगी घंटों तक है। ओके गाइस ने मेरे को चीज़ें बताई है कि ये मेरी है एक इस पूरे गेम के अंदर एक स्टोरी होने वाली जो अपन ख़त्म करने वाले हैं, और उस स्टोरी के एंड में हमें एक एल्डन रिंग मिल जाएगी, और एल्डन रिंग मिलने के बाद हम एल्डन रिंग के राजा बन जाएंगे, मतलब इस पूरे एरिया के राजा बन जाएंगे। तो उसके लिए ये मेरे को बोल रही है कि ये मेरे को हेल्प कर सकती है उस चीज़ को एक्वायर करने में, और उसको एक्वायर करने के लिए लास्ट में बॉस फाइट होगी जिसका नाम होगा मेलिना। ये वाली नहीं, इसकी मम्मी है मेलिना, एक और मम्मी इसकी मेलेक्विन नाम, इसका मतलब आप नाम समझ लो मेलेक्विन। यस ये मेलिना है, वो मेलेक्विन है इसकी मम्मा, जो कि अपनी मम्मा की तरफ बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसकी मम्मा गलत साइड पर है, दैट्स वाई। तो ये बोल रही है कि वो एल्डन रिंग की अभी राजा है, अभी रानी है, तो अभी हम बन सकते हैं राजा उसके और उसको हटा सकते हैं, मार सकते हैं, तो वो इस और हम वो चीज ना काफी ज्यादा हार्ड है उसको मारना, एल्डन रिंग के राजा बनना, तो ये सब काफी ज्यादा हार्ड है, तो ये हमारी हेल्प कर सकती है। बाय द वे किसी और बंदे की ऐसे हेल्प नहीं करती है, हमारी करने की बोल रही है, तो हम उनको ऑफर दे रही है तो हम इसको एक्सेप्ट जरूर कर सकते हैं, देन इट्स सेटल। अच्छा जब हमको अपनी वो एबिलिटी बढ़ानी होगी तो ये हम इसको समन कर सकते हैं। ओके नाइस भाई, मैं इसको समन कभी भी कर सकता हूँ। ओके ये हमको कोई रिंग दे रही है, स्पेक्ट्रल स्ट्रीट विस्टल। ओके ये क्या है, दूर के रास्तों को ट्रैवल करने के लिए ये यूज कर सकते हो। ओके ये कोई टॉरेंट नाम का बंदा है, टॉरेंट ने मेरे को चूज करा है, हट मैंने उसको चूज करा है।
ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट. कौन है भाई टोरेंट टेक? तो भाई मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा के तभी शायद चली जाएगी एंड मैं यहाँ पे सुबह करने का वेट कर लेता हूँ. मैं सुबह ही निकलूंगा, मेरे को रात में बिल्कुल डर लगता है, चाहे माइनक्राफ्ट हो, चाहे कोई गेम हो, चाहे जीटी हो. ओके नहीं, जीटी में डर नहीं लगता. ओके तो गुड ओके फाइनली गाइस नहीं ओके गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन नई शुरुआत. तो अभी मेरे को इसने बताया कि यहाँ पे मेरे को सब कुछ पता लग चुका है. इसने अब अपन को एक घोड़ा दिया है, लिटरली वो रिंग में घोड़ा है, जादुई घोड़ा जिसको हम कभी भी बुला सकते हैं अपने फाइट के लिए, किसी चीज़ के लिए. तो अभी अपन को क्या करना पड़ेगा ना, अपन को पाउच में रखना पड़ेगा वो. तो अब यहाँ पे अपन एक ये लगाते हैं, ये रिंग, ये समन करती है एक टॉरेंट को, राइट टॉरेंट, टॉरेंट में समझ रहे हो, घोड़ा, घोड़े को, दैट्स वाई. एंड अभी अब इसको निकालना है तो मेरे को पता क्या करना पड़ेगा. ओके मैंने इसके काफ़ी टाइम तक जब देखा है ना वीडियो, तब जाके समझ आया ये घोड़े घोड़े की चीज़. ओके ई दबा के मेरे को राइट राइट की दबानी पड़ेगी. ओके और यहाँ पे एक सीटी बजेगी और मेरे को एक घोड़ा मिल चुका है. डबल जंप के लिए मेरे को डबल स्पेस दबाना है. ओके भाई ये घोड़ा स्पीड, भाई इसकी स्पीड देखी तुमने घोड़े की? ओके घोड़े की स्पीड देखो गाइस, घोड़े की स्पीड. ओके तभी कह रही है. एंड बाय द वे मैंने इसके बारे में कुछ देखा है, इस गेट फ्रंट के बारे में थोड़ा देखा समझा क्या क्या होता है, क्या 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 करना है. तो मैंने देखा यहाँ पे एक वो है, क्या कहते हैं, एक मैप मिलेगा जो अपन को वो घटिया सा वो एक ब्राउन कलर का मैप दिख रहा था ना, उसे पाने के लिए अपन को यहाँ पे आना पड़ेगा. ओके मैंने ओके मेरे को वहाँ पे एक मैप मिल चुका है फाइनली. यहाँ पे अपन को सारे मैप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे उसके बाद. ओके अपन को इससे गाइस सारे जो एनिमीज होते हैं ना जो हमें मारने आ रहे हैं वो सब रीसेट हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह हो जाते हैं. अब देखो ये सब हम मेरे को मारने आ रहे थे बट सारे लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए. तो ग्रेस इज लाइक अ बेस्ट थिंग एवर. ये अपने को गेम के अंदर एचपी बढ़ाने में, लोग एनिमी से छुटकारा पाने में हेल्प करेगी. बट एक चीज़ और है, ये अपन को वापस से वो सारे एनिमीज को रिवाइव कर सकती है और अपन को वापस से उन सबको मारना पड़ेगा. ये बहुत ही यू नो घटिया इस चीज़ है. और ये काफ़ी ज़्यादा रुइंस के लिए, तो गाइज ये काफ़ी एक फार्म बन चुका है क्योंकि रुइंस ऐसे मिलते रहेंगे अपन को. ओके मेरे को इसके बारे में बताया गाइज. ओके ओके गाइज मेरे को इसके बारे में बताया कि मेरे को इसके अंदर जाना है. ओके 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 गाइस मेरे को अभी बताया था इस गड्ढे के अंदर जाना है और यहाँ पे कुछ अपन को मिल सकता है बट मैंने पागलबंदी कर दी और मैं यहाँ पे फंस गया. लिटरली गाइस क्या हुआ है ना मेरे साथ. ओके तो अभी अपन यहाँ पे स्टेक ऑफ अमेरिका पे आने वाले हैं. स्टेक ऑफ अमेरिका पे कहीं हम वापस उस करोड़ों किलोमीटर दूर की जगह पे आए. और मैंने वहाँ पे मैप कोई नया फाउंड करा है तो एम दबा के देखते हैं. ओके द न्यू मैप हैज़ बीन फाउंड लिमग्रेव वेस्ट. ओके तो यहाँ पे अपन को एक बड़ा सा मैप दिख चुका है जो कि एक घटिया सा ब्राउन कलर से एक तगड़ा सा मैप बन चुका है. मेरे को यहाँ पे आउटलाइन दिख चुकी है हर एक जगह की. तो यहाँ पे अभी अपन चलते हैं यहाँ पे फटाफट से और उस जगह पे वापस चलते हैं क्योंकि उस जगह पे अपन को एक तगड़ी चीज मिलने वाली है वो जो बता रहा था. और उस जगह पे वैसे कोई आ नहीं सकता इनमें से कोई सा भी बंदा, पर आई डोंट थिंक सो. ये आया कैसे? ओके कोई आया तो नहीं. लॉस्ट रुइंस. ओके अपन को लॉस्ट रुइंस यहाँ पे मिल चुके हैं. एंड यस अभी अपन इसको खोल सकते हैं शांति से खोलने अपन पे. अपन को मिलता है यहाँ पे कुछ, देखते हैं क्या मिलता है. ट्रेजर. ओके एश ऑफ वॉर मिली है. एश ऑफ वॉर क्या काम आती है? लगते है स्किल्स. अच्छा एड स्किल्स. ओके स्किल्स मिलती है इनसे. ओके अपने ऊपर की तरफ कोई है बंदा बट ठीक है. ये कोई नाइफ मिला है, वाटसन नाइफ. तो अभी अपन यहाँ से फटाफट से इस ग्रेस की तरफ चलते हैं. यहाँ से हम ग्रेस की तरफ ट्रैवल भी कर सकते हैं मैप के थ्रू. यहाँ पे हम देख कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह से किसी भी जगह पे एक सेकंड में जा सकते हैं. तो अभी अपन यहाँ पे अब ओके पर एक ओके गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं. बट तुमने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे एश ऑफ वॉर नाम का एक और चीज़ खुल चुकी है, उस पर क्लिक करते हैं. एंड एश ऑफ वॉर से अभी अपने को सब समझ आ चुका है गाइस. अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे ग्रेट नाइफ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे अपन को एक एबिलिटी दिखती है, इसको हम लगा सकते हैं. क्वालिटी वाले लगाऊंगा भाई मेरे को तो. ओके तो इसके बाद हमारे नाइफ पे एक एबिलिटी आ चुकी है जिसकी वजह से हम काफ़ी सारी नई नई चीज़ें कर सकते हैं. एंड अभी अपन जल्दी से चलते हैं. और अभी गाइस मेरे को बॉस लोकेशंस भी बताई गई हैं. अभी इस मैंने उस वीडियो में बॉस लोकेशंस भी देखी और गोल्डन रुइन क्या होता है भाई, छोड़ो जो भी होता हो. अपन तो अभी फटाफट से चलते हैं. और यहाँ पे एक और ग्रेस थी जो मेरे को दिख रही थी बार बार यहाँ पे मेरे को ला रही थी, तो मैं अभी यहाँ पे चलता हूँ. देखो उस पर भी घोड़ा है एक भाई, उस बंदे से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि अगर वो मेरे पीछे आएगा ना उस पर तो घोड़ा भी है सेम. ओके
ओके भाई, मैं इस गेम के बारे में थोड़ा और देख के आता हूँ क्या क्या होता है इस गेम में भाई। ठीक है, एक बार देख के आता हूँ। अभी मेरे को अभी एक चीज पता लगी, यहाँ पे अभी अपन को एक तगड़ा वेपन मिल सकता है, यू नो गाइस, तगड़ा वेपन। इसको पाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा ना, एक जगह जाना पड़ेगा, उस जगह का वो यहाँ से बिल्कुल पास है, और मेरे को वहाँ पे जाके एक बंदे को डिफीट करना पड़ेगा। वो बंदा इतना पावरफुल होने वाला कि मैं चाहकर भी डिफीट नहीं कर सकता उसे। तो देखते हो भाई मैं कैसे डिफीट करता हूँ। मैं तो उसे शायद से डॉज ही कर सकता हूँ, क्योंकि डॉज के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, लिटरली गाइस कुछ बिल्कुल नहीं कर सकता। वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है जैसा मैंने वीडियोज़ में देखा है, और वो इतना पावरफुल है, उस पर इतनी स्पेशल एबिलिटीज़ है, वो दूर दूर तक शॉट मार सकता है अपन को। हालांकि मेरे पास भी बोया, पर उसकी पावर, उसकी जो हेल्थ है ना, वो एक शॉट में होता है कितनी हेल्थ, हमारी पूरी आधी हेल्थ ले लेगा, और दो शॉट में तो खत्म है भाई हम लोग उसके सामने। ओके ओके, पर ये अभी ये है क्या, हट। ओके ओ भाई 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 ओके, पर उसने बताया मेरे को यहाँ से आगे की तरफ निकलना है, आगे की तरफ। ओके प्लीज मेरे पीछे, ओके भाई एरो पड़ रही है मेरे को, अब प्लीज भाई मत आओ ना मेरे पीछे। ओके ओके, बट मैं आपको बता दूँ ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे मिलता है अपन को, तो यहाँ पे अभी अपन चलते हैं फटाफट से। प्लीज भाई मेरे पीछे मत आओ भाई। ओके ओके, यहाँ पे अभी वो बोल रहे आगे की तरफ चलेंगे तभी कुछ मिलता है अभी अपन को, और यहाँ पे कुछ मिला तो नहीं भाई मेरे को, भाई यहाँ पे क्या मिलेगा। ओके, इन्वेडेड बाय ब्लड फिंगर नैरीजस। ओके नैरीजस, यहाँ पे ये बंदा है भाई। ओके मैं इस पर फाइट बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं इसके ऊपर से जाऊंगा। ओके ओके ओके, मैं इसके ऊपर से जाने वाला हूँ, और यहाँ से मैं इसको, ओ भाई मेरे पीछे आ गया बंदा, ओ भाई बच गया, मैं बच गया लिटरली। ओ नहीं, अरे भाई शिट, उसने मेरे को वन शॉट कर दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल ब्रो, उसने मेरे को वन शॉट कर दिया। अबे भाई इस बंदे को मारना है, और यहाँ पे कोई बंदा समान हुआ है। बे कौन है भाई, ये भी मेरे को मारने आएगा, मतलब एक वेपन के लिए मेरे को इतना लड़ना पड़ेगा दो बंदों से। भाई वो ही बंदा काफी नहीं था क्या, इनने दो दूसरा बंदा बुला लिया, पर मेरे को अभी लोकेशन अभी पता है, तो मैं ट्राई करता हूँ उसको मारने की, जैसे कैसे करके आज की वीडियो में उसको मार के रहेंगे। आज की वीडियो में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जो है गाइस, आज की वीडियो में कुछ भी हो जाए तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे भाई में दिमाग इतना है कुछ ना कुछ करके मार ही देगा उसको भी, देखते हैं भाई। ओके, तो अभी अपन अपना ये सेकंड ट्राई है, और सेकंड ट्राई में देखते हैं भाई अपन मार सकते हैं नहीं। मेरे को तो अभी डाउट लग रहा है मेरे में खुद पे, बट ठीक है एक बार चेक करते हैं और देखते हैं मार सकते हैं नहीं। और ये पता नहीं यहाँ पे क्या है भाई, कितने घटिया से गंदे से दिखने वाले जीव जंतु है भाई। ओके ओके, भागते भागते, अब ये देखो भाई लटके हुए से मरे हुए लोग। ओ भाई वो लटके नहीं है, वो लिटरली मतलब लटके हुए हैं पर वो जिंदा है। ओके इनके ऊपर से भाई, उनके ऊपर से जम करके गया, और मेरे को बताया ये किसी काम के नहीं है, फालतू के लोग भी पीछे बैठा रखे हैं हड्डी से लोग। ओके तो अभी अपन फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और इस घोड़े के, ओके यहाँ पे घोड़ा अपने आप उतर जाता है भाई, पहले तो मैंने खुद से उतारा था पर यहाँ पे अपने आप उतर जाता है घोड़ा, ये मेरे को नहीं पता था। बॉस फाइट में लगता है घोड़े को हम यूज़ नहीं कर सकते फाइट के अंदर, बट ठीक है लेट्स चेक। ओके ये वापस आ चुका है, ओके ओके गाइस, ओके मेरे को पता, ओके गाइस ये मेरे को मार रहा है, ये मेरे को मार रहा है गाइस, ये मेरे को मार रहा है। ओके कोई और सामान हो चुका है, कोई और सामान हो चुका है, कोई और सामान हो चुका है। ओके नहीं 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 नहीं, ओके भाई मेरे को ओ भाई नहीं 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 नहीं, यूरा नहीं, ये यूरा नाम का बंदा नहीं, ओ ये हमारी हेल्प कर रहा है लिटरली। अबे दोनों वर्ल्ड में चले गए अपने वापस से, शिट मेरे को अभी मेरे को पता लगा था, यस भाई इस चीज़ के बारे में तो भूल गया भाई। वो बंदा एक्चुअली अगर हम उस बंदे के पास जाएंगे ना, तो वो हमारी क्या करेगा, वो अपने वर्ल्ड में वापस लेके चला जाएगा, बट हमें उसको मारना पड़ेगा। वो जो बंदा है ना, वो उस बंदे को ना अपने वर्ल्ड में वापस लेके चला जाता है, और उस वर्ल्ड के अंदर फाइट करता है वो बंदा उसके साथ, तो हम उनके वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं जा सकते। आप उनको ना एज अ मान सकते हो, वो एक कैरेक्टर है, वो एक रियल प्लेयर्स है, प्लेयर्स रियल के नहीं है, वो एक NPCs हैं, बट उनको ऐसा दिखाया कि वो प्लेयर्स हैं और वो अपने वर्ल्ड से आए हैं मारने के लिए। जो बंदा था ना ये लाल सा, ये मेरे को मारने आया अपने वर्ल्ड से, और वो जो बंदा था ना वो मेरे को पता लग चुका है वो हमारी हेल्प रहा था, क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल नहीं मारा, उसने दूसरे उस बंदे को मारा। बट मेरे को अभी एक चीज याद आई थी, उस बंदे के अगर हम पास जाएंगे तो वो अपने वर्ल्ड में वापस चला जाएगा, और अपन को वो वेपन कभी नहीं मिल सकता, दैट्स व्हाई। और ये मेरे को फायर ग्रेस नाम की कोई चीज मिल गई है, बट दैट्स नाइस मैन। ओके मैंने इसके सिर के ऊपर से चाऊ जा चुका हूँ भाई, बट ठीक है भाई काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को खेलते हुए इस गेम को, मतलब अभी जो मैं खेल रहा हूँ काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, बट ठीक है तुम्हारे लिए तो शॉर्ट सा वीडियो होगा। ओके घोड़ा सा आगे आके इस बार घोड़ा उतरा है। ओके ओके यहाँ पे अभी अपन को एक और कोई बॉस मिलेगा क्या, आ जा देख,
आ जा। ओके इन्वेडेड है, इन्वेडेड का मतलब शायद से अपने वर्ल्ड से आना किसी। आ जा बेटे, डर गया भाई, ये खुद बंदा डर गया था लिटरली। ओके मेरे पीछे, ओके मैंने उसको एक हिट मारा। ओके उसने कुछ तो यूज कर रहा है वो बंदा, और एक बंदा समान हो चुका है। ओके अबे शिट यार, उसने मेरे को मार दे, मेरे को अपनी हील एचपी हील करनी चाहिए थी भाई। वो देखो वो फाइट कर सकता था उससे भाई, मैं 2 सेकंड और रुकता लिटरली, वो 2 सेकंड और रुकता, मेरा 14th ट्राई होने वाला है या 3rd ट्राई होने वाला है, मैं ट्राई भी नहीं गिन पा रहा अभी तो। ट्राई गिनता कौन है भाई, ठीक है भाई अपन प्रो लेवल बंदा है, कौन ट्राई गिनता है भाई, अपन सीधे मारता है बस, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है कभी कभी, बट ठीक है अभी अपन फटाफट से चलते हैं। एंड आई होप सो प्लीज इस बार हो जाए, कोई आनाकानी ना हो बीच में, और प्लीज कुछ भी दिक्कत ना हो, और मैं टाइम टू टाइम हील करने वाला हूँ, ये भी मैं सीख चुका हूँ उसके अंदर कि मेरे को टाइम टू टाइम हील करना ही पड़ेगा, वरना जो बताते ना लोग हार्डेस्ट गेम ऐसा ही नहीं है भाई, मेरे को टाइम टू टाइम हील करना पड़ेगा, वरना तो ये मेरे को वन शॉट कर सकता है चाहे तो। तुमने देखा था ना पहली बार जब इसने मेरे को मारा था भाई, पहली बार में, और ये क्या चीज़ है भाई। ओके अबे तो मशरूम से मिल गया, अबे भाई हट भाई, मशरूम नहीं चाहिए। आड़ अभी अपन इनके सर के ऊपर से घोड़े के पैरों से इनके हेडशॉट मारते हुए चलते हैं। ओके एंड फाइनली गाइस हम उस जगह पे वापस आ चुके हैं, एंड अभी अपन फटाफट से चल सकते हैं यहाँ पे। आ जा बेटा 1v1 करके दिखा दे तू मेरे को, आ जा बेटे, आ जा भाई, आई थिंक सो भाई मैं नहीं कर सकता। ओके भाई मैंने इसको डॉच कर लिया लिटरली। ओ शिट मेरे को हील करना पड़ेगा। ओके गाइस अभी मैं पीछे जा रहा हूँ। अरे नहीं, ओके मेरे को हील करना पड़ेगा। ओके वो बंदा मार रहा है। फाइनली भाई अपना टीममेट आ चुका है, एंड अभी ये बंदे को मार रहा है, मैं भी इसको इसकी थोड़ी हाथ वो हेल्प करूँ। ओके ओ नहीं मैं नहीं करूंगा सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, मैं ऐसी हेल्प नहीं करने वाला, मेरे पीछे पड़ जाएगा भाई बात। हट भाई थोड़ी सी कटनी बनती है यार। ओ भाई, ओ भाई मेरे को मार रहा था ये बंदा भाई, लिटरली डरा दिया। ओके मेरे को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ओ भाई अरे हेल्प कर ले मेरी, अरे पागल आदमी हेल्प कर ले। ओके गाइस अभी मैं कैसे ना कैसे करके बच चुका हूँ उससे। अरे भाई मेरी हेल्प करने कोई आएगा, मेरी हेल्प करने आ जा। ओके भाई बच गया, मैं लिटरली बच गया। ओके भाई उसने हील कर लिया, उसको मेरी तरह हील करना आता है लिटरली ब्रा। अच्छा वो तो एक प्लेयर की तरह बनाया ना इनने एल्डन रिंग ने। ओके पर मेरा प्लेयर क्यों नहीं हील कर रहा भाई, ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई। जाना चल। ओके मैं भी इसकी ओए उसकी तरफ जा भाई, ये बंदा पागल है भाई, डरा देता है लाल वाला बंदा मेरे को, और ये वाला बंदा मेरे को डरा, ये मेरे को हेल्प कर रहा है डरा रहा है, ये बंदा ये जो यूरा नाम का बंदा है ये हेल्प कर रहा है डरा रहा है भाई, मेरे को डरा रहा है ये बंदा, हेल्प नहीं कर रहा लिटरली। जैसे ये मेरे पीछे आ रहा है ना बंदा, ये लिटरली मेरे को बचा नहीं रहा, ये यूरा नाम का बंदा, ये ब्लडी ये फिंगर को ये मार ही नहीं रहा भाई। आ जा बेटे अभी गाय, मेरे को मजा आ रहा है इसको इसके मजे लेने में भाई, दो लोग मार रहे हैं बेचारे को कहीं से कभी पड़ रही है। आ जा भाई बेचारा मेरे को मार नहीं पा रहा, आ जा मैं ही मारूंगा इसको तो। आ जा भाई थैंक यू। ओह भाई मेरे ही मार रहा भाई, डरा दिया उस बंदे ने लिटरली, थैंक यू। ओके रिड्यूविया मिल गया नाम का कोई, ये मर गया, हाँ वो तो मर ही गया। ओके ब्लडी यूरा रिटर्न टू हिज वर्ल्ड, ओके ये अपने वर्ल्ड से आया था चला गया, उसने अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा और वो चला गया। पर अपन को एक वेपन जरूर से मिला है उसने दिया है, उसके चक्कर में मेरे को उस बंदे को मार के एक वेपन जरूर मिला गाइस। और मैं यहाँ पे चलता हूँ इस वाली जगह पे, और ये इसका नाम क्या है, रिड्यूविया। ओके नाइस नेम। और मैं इस पर स्विच करता हूँ, इसकी पावर क्या है, मतलब इसको मार सकता हूँ बस नॉर्मली लिटरली। ओके बस इससे कुछ नहीं होना, बस ये हो रहा है। पर वो बंदा कुछ फेंक रहा था ना, ऐसे करके फेंक रहा था, वो कैसे होता है। ओके भाई ये कैसे होता है भाई, ये क्या सस्ता वेपन मिल गया क्या, उसका इतना तगड़ा डैमेज था, ये सस्ता वेपन देके चला गया वो मेरे को लिटरली। ओ चूना लगा दिया, अबे चूना लगा दिया। अबे भाई पर मैं एक एक बटन ट्राई करके देखता हूँ उससे कुछ हो जाए। ओके इससे तो अपना QWR, अबे ओ हील नहीं करना, मेरे पास एक ही फ्लास्क बचा है वो भी नहीं, TYUIOPASDF
एफ से। अच्छा अगर मैं इसको अपनी इसको हटा दूं और अब एफ दबाओ। अबे नहीं अब इस शील्ड को हटाओ यार। हाँ अब मैं इसको दबा के देखूँ। अब करूँ। ओ भाई एफ से होता है ये चीज़ ना। इस मतलब हर चीज़ की कोई एबिलिटी होती है वो एफ से यूज़ होती है भाई। चूना नहीं लगाया भाई। ठीक था बंदा। अब मैं ट्राई करूँ क्या बंदों पे? ओके अब मैं घोड़ा यूज़ कर सकता हूँ बाय द वे। ओके नाइस। इससे गाय तुम मेरे रूइंस देखो भाई कितना मिला मेरे को। ओके नो भाई देखो भाई 1200 रूइंस मिल चुके हैं। एंड अभी मैं इस पे एक बंदे पे ट्राई करने वाला हूँ। आ जा बेटे। अरे नहीं भाई। अरे नहीं अबे नहीं मार नहीं रहा। अबे ये क्या घटिया वेपन है। ओके डैमेज पड़ा। ओ भाई क्या डैमेज है। अब इसको इससे मार के देखता हूँ मैं। ओके भाई क्या तगड़ा डैमेज है। और ये दूर तक मार सकता है पर इसकी एक रेंज है। ओके अबे नहीं ये वापस। अरे ये वापस आ गए भाई। क्यों डॉज था भाई मेरे डॉज था। ओके अभी मेरे को निकलना पड़ेगा। घोड़ा निकालता हूँ और घोड़े से फटाफट से निकलता हूँ। मैं इनसे डॉज करता हूँ फटाफट से निकलता हूँ। ओके मेरे को निकलना पड़ेगा फटाफट फटाफट। ओके भाई ये सारे लोग नीचे की तरफ और आ गए। सो कहते हैं आज की वीडियो के बस इतने। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब इस वीडियो गाइस। और गाइस अगर आपको ऐसी दहशत कंटेंट चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इस चैनल गाइस। या गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लेट्स स्टे ऑसम एंड गुड बाय।